नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ, एक बेहद अहम खबर के साथ। और खबर यह है कि दिल्ली और महाराष्ट्र में लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा। जी हां, यह ऐलान दिल्ली सरकार की तरफ से भी कर दिया गया है और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी कर दिया गया है। अब से ठीक 24 घंटे पहले जब हम आपके सामने आए थे बुलेटिन लेकर, तब चर्चाओं का बाजार गर्म था कि दिल्ली में भी और मुंबई में भी लॉकडाउन बढ़ सकता है, सख्ती बढ़ सकती है। ये चर्चाएं काफी जोरों पर थी, लेकिन आज इसका खंडन आ गया है आधिकारिक तौर पर कि लॉकडाउन नहीं बढ़ने जा रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह बयान दिया, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी लॉकडाउन बढ़ाने से फिलहाल साफ इनकार कर दिया है। मतलब साफ है कि दिल्ली और मुंबई में जो लॉकडाउन की चर्चाएं चल रही थी, उन चर्चाओं पर फिलहाल विराम लग गया है। और दिल्ली में लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने साफ किया है कि अभी फिर से लॉकडाउन लगाए जाने का कोई विचार नहीं है। सत्येंद्र जैन ने एमसीडी पर मौत के आंकड़ों पर भ्रम फैलाने का भी आरोप लगाया है। केसेज लगभग दो हफ्ते में डबल हो रहे हैं और अभी से नहीं, पिछले दो महीने से लगभग यही चल रहा ट्रेंड चल रहा है। हर दो हफ्ते में केसेज डबल हो जाते हैं। उसका रीजन है कि भाई, एक आदमी को लगभग दो हफ्ते लगते हैं ठीक होने में, अगर वो ठीक होने से पहले दो लोडिंग रेट है, ये चल रहा है। जहाँ तक कम्युनिटी स्प्रेड की बात है, ये बहुत टेक्निकल टर्म है और इसको तो मुझे लगता है सेकेंड सरकार की जो संस्थाएं हैं, WHO है या बड़े बड़े संस्थाएं, वो ही बता पाएंगे कि अभी कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि काफ़ी लोगों को फैल रहा है। ओके, इस खबर पर ज्यादा डिटेल के साथ हमारे संवाददाता समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। समीर, कल तक ये चर्चा थी कि दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ सकता है, इसको लेकर बातचीत भी हो रही थी, लेकिन आज यूटर्न हो गया पूरा मामला, आज खंडन कर दिया गया है। इसके पीछे की कहानी क्या है और क्या डिटेल इन्फॉर्मेशन है आपके पास? मृत्युंजय, बिल्कुल सही शब्द आपने इस्तेमाल किया है कि इसके पीछे का आखिर पूरा माजरा क्या है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के जो तमाम मंत्री हैं, वो खुद लॉकडाउन के पक्ष में नजर आ रहे थे और ये बात कल भी हमने कही थी कि दिल्ली सरकार के मंत्री लॉकडाउन के पक्ष में हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि लॉकडाउन लगाया जाए और आर्थिक गतिविधि को ही आगे बढ़ाने के पक्ष में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री का अब रुख ये है कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली में जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है या मरीजों को आइसोलेशन या क्वारंटीन सेंटर रखने की जो जरूरत है, उसकी तैयारी की जाए। यही वजह है कि दिल्ली सरकार अब तमाम बड़े मैदान, स्टेडियम, यहां तक कि बैंक्वेट हॉल को भी अपने दायरे में लेकर के वहां पर टेम्परेरी स्ट्रक्चर खड़ा करके वहां पे आइसोलेशन वार्ड बनाएगी, क्वारंटीन सेंटर बनाएगी, ताकि जिस तेजी से दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उनको क्वारंटीन रखा जा सके और इलाज मुहैया कराया जा सके। लेकिन ये बात स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है कि अभी जब हम इस वक्त आपसे बात कर रहे हैं, दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों का जो फिलहाल आंकड़ा है, जो 34,000 को पार कर गया है, और एक्टिव केसेस जो 20,000 की संख्या को पार कर गए हैं, उनको इलाज देने में दिल्ली के तमाम सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, जहां तक कि डॉक्टर, नर्स, ये सभी बहुत कम साबित हो रहे हैं। हाँ, इनकी संख्या बहुत कम है। ऐसे में दिल्ली सरकार अब प्लान बी की तरफ बढ़ रही है। प्लान बी में सीधा ये है कि लॉकडाउन को लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन टेम्परेरी स्ट्रक्चर मैदान में बैंक्वेट हॉल में तैयार करेगी ताकि आइसोलेशन और क्वारंटीन सेंटर को बनाया जाए। लेकिन एक बात स्पष्ट है, इसमें एक बता दें कि कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर के दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने खुद इशारा किया था, और ऐसे में अगर केंद्र की तरफ से कोई बड़ा कदम का ऐलान होता है या कम्युनिटी स्प्रेड की घोषणा होती है, तो दिल्ली सरकार को उसके बाद केंद्र के गाइडलाइन का अनुपालन करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए समीर हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। और अब बात करते हैं मुंबई की, क्योंकि महाराष्ट्र से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि यहां पर भी लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा और यहां पर जो लॉकडाउन को लेकर अटकलें चल रही थी, उस पर भी विराम लग गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि मुंबई में फिर से लॉकडाउन नहीं होगा। सीएम ने लोगों को नियम का पालन करने की सलाह दी है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 97,000 के पार पहुंच गई है। इस पर ज्यादा डिटेल के साथ हमारे संवाददाता सुबोध मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुबोध, और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? देखिए मृत्युंजय जी, ये बात तो है कि पिछले कम से कम 2 से 3 दिन से, जब से 8 जून से जब पूरी तरह से अनलॉक 1 का जो तीसरा चरण लागू हुआ था, उसके बाद से अफवाहों का ये बाजार गर्म हो गया था कि
वापस लॉकडाउन लगाया जाएगा, जिसके लिए बीच में एक बार छोटी सी चेतावनी भी थी मुख्यमंत्री की तरफ से। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तरह से इन अफवाहों के बाजार को ठंडा कर दिया है और ये साफ तौर पे बता दिया है कि लॉकडाउन जो है 30 जून तक लॉकडाउन था उसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि छूट जो है वो पूरी हो जाए। कहीं ना कहीं ये बात भी इशारे इशारे बोला है कि जो सरकार जो चाह रही है, जो प्रशासन चाह रही है, उसको फॉलो करिए ताकि अर्थव्यवस्था के साथ साथ बीमार संक्रमित मरीजों की संख्या को भी कम किया जा सके। क्योंकि जिस तरह से अभी अफवाहों का जो बाजार गर्म था उससे हर कोई महाराष्ट्र में कभी हाँ कभी ना वाली स्थिति में था। कुछ लोग थे जो दुकानें खोल रहे थे और कुछ बंद कर रहे थे और कुछ लोग जाने से डर रहे थे क्योंकि लॉकडाउन वापस होने की जो अफवाहें थी। तो निश्चित तौर पे ये जो बयान आने के बाद एक बार कम से कम लोगों के बीच का ये जो कंफ्यूजन था वो दूर हुआ है। और दूसरी बात ये है कि निश्चित तौर पे सरकार और प्रशासन जो चाह रही है, क्योंकि अभी इस बार का जो स्पाइक है जो पिछले 24 घंटे में हुआ है वो 3600 से ऊपर चला गया है, जो अपने आप में रिकॉर्ड रहा है महाराष्ट्र का। वहीं पर मुंबई में भी इस बार 1500 से ऊपर जो पिछले 24 घंटे में हुआ है। तो निश्चित तौर पे लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी और ये लॉकडाउन जो खत्म हुआ एक ही अच्छी खबर लोगों के सामने है। बिल्कुल ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण खबर कि दिल्ली और मुंबई में लॉकडाउन नहीं बढ़ने जा रहा है। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में भले ही लॉकडाउन नहीं बढ़ने जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि दिल्ली में दुकानें बंद हो सकती हैं, दिल्ली के बाजार कल से बंद हो सकते हैं। जी हाँ, ऐसी खबरें आ रही हैं। दिल्ली के व्यापारी संघ ने इसे लेकर कारोबारियों से सुझाव मांगे हैं। सरोजनी नगर मार्केट को 15 से 30 जून तक बंद करने का फैसला पहले ही लिया जा चुका है। दिल्ली के सबसे बड़े मस्जिद यानी जामा मस्जिद को 30 जून तक बंद कर दिया गया है। यानी कोरोना वायरस को हराने के लिए लॉकडाउन ही समाधान है, ऐसा लोग मान रहे हैं और इसके लिए पहल भी शुरू हो चुकी है। दिल्ली के खारी बावली मार्केट में 100 व्यापारियों को कोरोना का संक्रमण हुआ है, ऐसा इस मार्केट के प्रेसिडेंट का कहना है, बयान है। तो कुल मिलाकर सरकार भले ही लॉकडाउन बढ़ाने पर जोर ना दे लेकिन व्यापारियों ने अपने लेवल पर एहतियात बरतने की कोशिश की है और इसी कड़ी में ये खबर आ रही है कि दिल्ली के बाजार कल बंद रह सकते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैट के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल हैं। खंडेलवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आप ये बताएं कि आप लोगों ने खुद पहल की, ये अच्छी बात है क्योंकि एहतियात बहुत जरूरी है, लेकिन मार्केट को पूरी तरह से बंद करने का सुझाव आप लोग क्यों देना चाहते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, अभी अभी बंद करने का कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और उन केसों के बढ़ने के कारण से दूसरी तरफ जो दिल्ली के अंदर जो मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है उनको ध्यान में रखते हुए सरकार को एक सहयोग देने की अपेक्षा से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जुलाई में 5.5 लाख केस हो सकते हैं, तो हम ये मानते हैं कि यदि बाजारों को बंद रखा गया तो बड़ी संख्या में हम संभवतः ये जो 5.5 लाख का आंकड़ा है इसको कम कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए और जिस तरीके का कोरोना का माहौल है, आज दुकानें खुलती हैं तो उसका सबसे पहला जो शिकार होगा वो हमारा व्यापारी होगा, उसके कर्मचारी होंगे, और क्योंकि परिस्थितियां ठीक नहीं है इसके लिए हमने एक सर्वे किया है जो 6 बजे तक हमारे पास पूरा सर्वे संपूर्ण होगा और कल व्यापारी संगठनों के साथ बातचीत करके ही इसका निर्णय लिया जाएगा। ओके, लेकिन खंडेलवाल जी, सिर्फ कोरोना संक्रमण को रोकना ही वजह है या फिर ये भी वजह है कि बिक्री नहीं बढ़ पा रही है और दुकान खोलना खोलने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, डिमांड कम है, सेल नहीं हो पा रहा, ये भी एक वजह है? नहीं मृत्युंजय जी, ऐसा नहीं है। देखिए, व्यापारी का तो धर्म है अपनी दुकान को खोलना, चाहे बिक्री हो अथवा ना हो, लेकिन अगर व्यापारी बंद करता है तो बहुत मजबूरी के अंदर आकर के बंद करता है। आज ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई है कि दिल्ली में टेस्टिंग बड़ी मुश्किल से हो पा रही है और जिनको पॉजिटिव हो जाता है उनको अस्पतालों में प्रवेश बड़ी मुश्किल से मिलता है, चाहे आपके पास कितने पैसे क्यों ना हो। तो ऐसे हालातों में सरकार के ऊपर बोझ ना पड़े उसके लिए यदि व्यापारियों को 10-15 दिन दुकानें बंद रखनी पड़े तो व्यापारी इसके लिए तैयार है या क्या स्थिति है,
ये तो जब हमारे पास शाम को सर्वे की रिपोर्ट आएगी उससे मालूम पड़ेगा, लेकिन जो भी निर्णय होगा वो दिल्ली के सभी प्रमुख व्यापारिक संगठनों से बातचीत करके होगा। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया खंडेलवाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर नई जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और लगातार खराब होते हालात पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने इस दौरान दिल्ली के खराब हालात पर चिंता जाहिर की। एससी ने राज्य सरकार से पूछा कि दिल्ली में टेस्टिंग कम क्यों हो गई है, साथ ही अस्पतालों में शवों के रखरखाव को लेकर भी अदालत ने सरकार को फटकारा है। दिल्ली में जिस तरह से शवों का रखरखाव किया जा रहा है वो काफी दुख देने वाला है। आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर का, और खबर यह है कि अनलॉक वन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 16 और 17 जून को दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। इस चर्चा में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अलावा राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी भी शामिल होंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि 16-17 जून को एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। पीएम 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और जो कोरोना को लेकर के ताज़ा हालात हैं इस मुद्दे पर चर्चा होगी। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी शामिल होंगे। कोरोना संकट के बीच जीएसटी काउंसिल ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। क्या है पूरी खबर ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं जी मीडिया संवाददाता मोनिका यादव। मोनिका बताइए क्या राहत है? जी, लेट फी वेवर को लेकर काफी ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी ट्रेडर से, तो आज उनको बहुत बड़ी राहत मिली है आज की बैठक में। तो ऐसे टैक्स पेयर्स जिनकी कोई टैक्स नहीं है और अगर उन्होंने जीएसटी रिटर्न्स अपनी फाइल नहीं की है जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक के पीरियड के लिए, तो उन पर अब कोई भी लेट फी नहीं मिलेगी लगेगी। और दूसरा ये कि ऐसे टैक्स पेयर्स जिनकी टैक्स लाइबिलिटी है तो उन पर अब जो मैक्सिमम लेट फी लगेगी जीएसटी और सीबी रिटर्न्स पर वो ₹500 तक लगेगी, और ये भी जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक के पीरियड के लिए है, और ये सभी रिटर्न्स पर लागू होगा जो जुलाई 1, 2020 से लेकर सितंबर 30, 2020 तक फाइल की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि छोटे टैक्स पेयर को लेट जीएसटी रिटर्न फाइल करने पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर वो जुलाई 6, 2020 तक रिटर्न फाइल कर देते हैं तो उसके बाद 9% की दर से इंटरेस्ट उन्हें पे करना पड़ेगा सितंबर 30, 2020 तक। आपको बता दें ये जो इंटरेस्ट रेट था ये पहले 18% था। इसके साथ ही साथ ऐसे छोटे टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है उन्हें लेट फीस और इंटरेस्ट का वेवर दिया जाएगा मई, जून और जुलाई के लिए, अगर वो सितंबर 2020 तक रिटर्न फाइल कर देते हैं तो। तो ये जो है ये कुछ रिलीफ मेजर्स दिए हैं उन्होंने ट्रेडर्स के लिए। इसके अलावा आपको बता दें कि आज की बैठक में उन्होंने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पर भी चर्चा की, पर उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। अभी वो फुटवेयर और फर्टिलाइजर पर इन्वर्टेड ड्यूटी को देख रहे हैं। साथ ही जीएसटी रेट कट्स पर भी आज की बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई। तो ये कुछ अहम मुद्दे थे जिन पर आज फैसला लिया गया। जी जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आपने दिया है मोनिका कि क्या राहत कारोबारियों को दी गई है, और जो भी आपने आखिर में जिक्र भी किया कि आज की बैठक में जीएसटी रेट पर कोई फैसला नहीं हुआ है, ये बात ठीक है, लेकिन क्या अगली बैठक में क्या इस बात के कोई संकेत आपको मिले हैं कि अगली बैठक में जीएसटी रेट के ऊपर भी कुछ हो सकता है? जीएसटी रेट पर अगली बैठक के लिए तो उन्होंने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है रेट कट पर उन्होंने कहा कि यूपी से उन्हें काफी सारे डिमांड्स आ रहे हैं टोबैको रिलेटेड,
आइटम्स पर टैक्स के लिए, क्योंकि उन्हें अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, तो अगली बैठक में उस पर ये एजेंडा का पार्ट हो सकता है। जी, तो रेट कट पर उन्होंने कोई अभी ऐसा कोई बहुत शुक्रिया मोनिका आपका। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोनिका आपका इस पूरे अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि लोन मोरेटोरियम के दौरान ब्याज वसूली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से पूछा है कि क्या ब्याज पर भी मोहलत दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से कहा है कि वो 3 दिन के भीतर चर्चा करें और बताएं कि 31 अगस्त तक ईएमआई पर दी गई मोहलत के साथ ब्याज पर भी मोहलत दी जा सकती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पूरी तरह ब्याज माफी की बात नहीं कर रहे हैं, बस लोन चुकाने के लिए दी गई मोहलत के दौरान ब्याज पर ब्याज नहीं वसूलना चाहिए, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं वसूलना चाहिए। अगर लोन 3 महीने के लिए टाल दिया गया है तो बैंकों को देय राशि में ब्याज और फिर उसके ऊपर ब्याज नहीं जोड़ना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि हफ्ते के अंत में आरबीआई और वित्त मंत्रालय के साथ एक बैठक होनी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 17 जून को करेगा। और चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि आखिरी घंटे में बाजार ने शानदार रिकवरी दिखाई। सेंसेक्स 242 अंकों की मजबूती के साथ 33,781 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 71 पॉइंट की मजबूती के साथ 9,973 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार के आज के पूरे दिन के एक्शन को बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए कुशल जी। तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार शानदार तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट निचले स्तरों से 450 अंकों का उछाल आपको निफ्टी में देखने को मिला। साथ ही अगर आप निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों की सूची को देखें तो अच्छे नतीजों के बाद आप महिंद्रा एंड महिंद्रा में 7% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। इसके अलावा श्री सीमेंट, बजाज फाइनेंस जैसे शेयरों में भी 3-4% का उछाल रहा। वहीं लूजिंग साइड पर जी एंटरटेनमेंट टॉप लूजर था। साथ ही सरकारी कंपनियां जैसे ONGC और पावर ग्रिड पर दबाव रहा। सेक्टर स्पेसिफिक ऑटो सेक्टर्स में अगर गेनर साइड पे देखेंगे तो टू व्हीलर सेक्टर्स जो थे वो सबसे ज्यादा गेन करते हुए नजर आए M&M के अलावा। और साथ साथ बैंक्स जो इंटरेस्ट पेपर पर सुप्रीम कोर्ट का क्लैरिफिकेशन आया उसके बाद काफी मजबूती आपको बैंकिंग स्पेस और NBFC स्पेस में देखने को मिली। इसके अलावा रियल्टी स्पेस ऐसा था जहां पर अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई, जिसमें प्रेस्टीज एस्टेट्स आज भी टॉप गेनर निकलकर सामने आया। 6% की तेजी यहां थी। गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी बढ़िया बढ़त रही। ऑयल एंड गैस स्पेस में देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 3.3% के उछाल के साथ आज बंद होता हुआ दिखा। साथ साथ HPCL, IGL और OMC स्पेस में BPCL पर भी बढ़िया मूव हमें देखने को मिला। पर PSU स्पेस जो थे वो आज गिरावट का रुझान दिखा रहे थे और 3-4% की गिरावट यहाँ रही, जिसमें ONGC पावर ग्रिड टॉप लूजर निकल कर आए। वहीं IT स्पेस यहाँ पर भी काफी ज्यादा दबाव आज के सत्र में बनता हुआ दिखा, जिसमें टेक महिंद्रा, विप्रो जैसे शेयर इंट्राडे में 3-4% तक लुढ़क। 19,950 से 20,050 ये एकदम परफेक्ट रेंज है जहां पर आपको बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स खरीदने चाहिए। 19,750 का स्टॉप लॉस होगा। 19,950 से 20,050 आपकी बाय रेंज है और ऊपर का टारगेट 20,200 पहला फ्यूचर्स का छोटा टारगेट है, उसके बाद 20,300, 20,400, 20,500 ये तीन टारगेट आपको रखने चाहिए और ऊपर के लिए मुझे लगता है 20,400, 20,500 तक जाने की कोशिश हो सकती है। मुझे साफ नजर आ रहा था कि बैंक निफ्टी यहाँ से भागने को तैयार है, तब 20,000 के आसपास बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स थे, तो हमने 19,050-20,050 की रेंज में आपको खरीदारी की राय दी। 19,750 के स्टॉप लॉस के साथ 20,300 से लेकर 20,500 तक के टारगेट के लिए, तो 20,300 का पहला टारगेट आ चुका है, 20,400, 20,500 ज़्यादा से ज़्यादा 20,550 ये ऊपर की रेंज है जिसके लिए आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए।